देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्र, पूरे विधि विधान से बुलाएंगे तो माँ चली आएंगी, सुख संपन्नता और सेहत भी लाएंगी। देखिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, कल से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्र। इस बार नवरात्र में कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। नवरात्र का हर दिन आपके लिए मंगलकारी, शुभकारी और कल्याणकारी हो, इसके लिए पूरे नवरात्र किस महामुहूर्त में करें घट स्थापना और माँ अम्बे की पूजा आराधना, इस नवरात्र किस दिशा में माँ की चौकी स्थापित करें, कैसी मूर्ति घर लाएं और किस विधि विधान से करें माँ अम्बे की पूजा, सब आपको बताएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। इसलिए कालचक्र की खास पेशकश शुभ नवरात्र के साथ पूरे नवरात्र बने रहिएगा और पाइएगा माँ अम्बे का महाआशीर्वाद। साथ ही इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 01206652411। तो साल में नवरात्र वैसे तो चार बार आते हैं, दो गुप्त नवरात्र होते हैं और एक चैत्र, और अब जो कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं वो है शारदीय नवरात्र। इस नवरात्र क्या है खास, कौन से शुभ मुहूर्त में करनी होगी घट स्थापना और कौन से मंगल मुहूर्त में की गई पूजा दिलाएगी आपको माँ दुर्गा की महाकृपा, आइए जानते हैं। तो कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत पंडित जी, और आज कालचक्र की खास पेशकश इसलिए भी ताकि लोग घट स्थापना समय पर कर पाएं, शुभ मुहूर्त में कर पाएं, तो क्या होगा वो शुभ मुहूर्त? देखो, कालचक्र का हर समय प्रयास रहता है कि हमारे सनातन धर्मी जो भी अपने धर्म कार्य को करना चाहते हैं उनको उस कार्य को करने के लिए पहले से ही हम सुझाव दें कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या ठीक है, क्या शास्त्र सम्मत है, उसका हमें अपने व्रत में, अनुष्ठान में लाभ मिलता है। कहने का आशय यह है, कल से नवरात्र शुरू है। वैसे तो जैसा कि आपने बताया कि चार नवरात्र होते हैं, लेकिन चार नवरात्र में श्रद्धा शारदीय नवरात्र का कोई जोड़ नहीं है। ये वाला नवरात्र जो कल से शुरू होगा इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये नवरात्र तो ऐसा है जैसे कामधेनु गैया, आप कामधेनु गैया के सामने केवल मन में कोई इच्छा करके खड़े हो जाइए तो वो चीज़ प्रकट हो जाती है। उसी तरह से इस शारदीय नवरात्र में भक्त जब किसी मनोकामना से भगवती की आराधना करता है, भगवती सद्यह उसको पूरा कर देती है। पूरे देश में ये दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। पहले तो केवल बंगाल में मनाई जाती थी, लेकिन आज रामलीला का प्रचलन बल्कि कम हो रहा है, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडाल बढ़ रहे हैं, इसलिए कि शक्ति का लोग अनुभव कर रहे हैं, शक्ति को लोग अपने जीवन में देख रहे हैं, शक्ति का परिवर्तन देख रहे हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि शक्ति की भक्ति से कल्याण मनुष्य का संभव है। इसलिए देखो, जहाँ मनुष्य को लाभ मिलता है वहाँ बहुत जल्दी झुक जाता है। जैसे कि कल 26 सितंबर है, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और कल ही नवरात्रि का पहला दिन है। घट माने कुंभ या कलश स्थापना का भी मुहूर्त कल ही है। जहाँ हम घट कहें वहाँ आप कलश समझिएगा। कल घट स्थापना का पहला मुहूर्त जो है वो 1:40 का है, जो कल सुबह 6:11 से शुरू होकर कल सुबह 7:51 तक है। कल घट स्थापना का अभिजित मुहूर्त केवल 48 का है, जो कल सुबह 11:48 से शुरू होकर कल दोपहर में 12:36 तक रहेगा। इसके बाद, इसके अलावा चौघड़िया मुहूर्त में कल किसी को घट स्थापना करनी है तो शुभ चौघड़िया कल सुबह 9:12 से कल सुबह 10:42 तक है। तो कलश स्थापना के तीन मुहूर्त हमने बताए हैं और मुझे विश्वास है कि आपने नोट किया होगा और इसी समय में आपको कलश स्थापना करना है। ये कलश स्थापना अगर अच्छे मुहूर्त में की जाएगी तो नवरात्र मंगलमय होगा, नवरात्र में आपकी मनोकामनाएँ पूरी होंगी, नवरात्र में माँ के शक्ति का अनुभव आपको होगा और आपकी आराधना
सफल होगी तो आपका जीवन भी सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो घट स्थापना कब करनी है ये आपको पंडित जी ने बताया है, और उस मुहूर्त में 1 घंटा 40 मिनट का वो मुहूर्त है, उसमें अगर आप घट स्थापना करते हैं तो सब कुछ शुभ ही होगा, सब कुछ मंगल होगा। तो कल से नवरात्र शुरू हैं, ऐसे में माँ दुर्गा की कैसी मूर्ति नवरात्र में आप अपने घर में स्थापित करें ये पंडित जी से जानते हैं। तो जब भी नवरात्र शुरू होते हैं तो घर पर एक बहुत खूबसूरत माँ की मूर्ति हर कोई लाता है और उसकी स्थापना करता है, लेकिन वो मूर्ति कैसी होनी चाहिए, किस तरह की मूर्ति होनी चाहिए, किस धातु की मूर्ति होनी चाहिए, ये बताइए। सही बात तो ये है श्रद्धा, एक बार हिमालय ने पार्वती से पूछा कि बेटी तू रहती कहाँ है, तेरा ठाँव कहाँ है, तेरा स्थान कहाँ है, जहाँ देखो वहाँ तुम्हारे मंदिर हैं, जहाँ देखो वहाँ तुम्हारे शक्तिपीठ हैं, तो इन सब जगहों में आखिर है क्या स्थान तुम्हारा, प्रमुख स्थान क्या है तुम्हारा। तो माँ पार्वती कहती हैं हिमालय से, ना हम बसते कैलाश से, हे पिताजी ना मैं कैलाश में शंकर के साथ रहती हूँ, ना हम बैकुंठे और ना मैं बैकुंठ में विष्णु के साथ रहती हूँ, ना हम बसते कैलाश से ना बैकुंठे, न वा कर ही चित और ना किसी दूसरी जगह रहती हूँ। कहें तब कहाँ रहती हो, कहें बसामी मद, ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना बैकुंठे नवा कारिचित बसामी मद ज्ञानी हृदयम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। तो भैया अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर स्थापना हो सके तो अपने हृदय में कर लीजिएगा माँ की। जय माँ, जिस भाव से मैं कह रहा हूँ यह भाव अन्यथा न हो और सबके हृदय में आपका वास हो जाए, जो जरा सा भी आपके लिए हृदय से आवाहन करे आप उसके हृदय में परम पवित्र प्रकाश प्रकाशित कर दें और उसका जीवन सफल कर दें। अब आ गई बात प्रत्यक्ष पूजा की, जिसको हम साकार पूजा कहते हैं, जिसमें मूर्ति की स्थापना करना, मूर्ति की पूजा करना, ये सब चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो जगज्जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की घर में स्थापना जरूर की जानी चाहिए। जो मूर्ति आप घर में लाएं उसमें 8 हाथ होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, और 8ों हाथों में माने आयुध धारण किया हुआ है, आयुध माने अस्त्र शस्त्र। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुखमंडल सौम्य और शांत होना चाहिए, करुणा बरसाता हुआ उनका चेहरा होना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा का मुख उग्र रूप लिए हुए नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा के मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह होना चाहिए। घर में स्थापित की जाने वाली माँ दुर्गा की मूर्ति का चयन करते समय ध्यान रखें कि माँ दुर्गा का जो वाहन है केसरी नाम का सिंह, उसका मुंह बंद होना चाहिए। देवी मूर्ति की उपासना से घर में सुख शांति रहती है, सिंह का मुख खुला नहीं होना चाहिए। ये रौद्र है, ये रौद्र रूप है। आपके घर में पहले से ही अगर दुर्गा की कोई अच्छी सी मूर्ति है तो नई मूर्ति लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में 3 दुर्गा प्रतिमाएं भूल करके भी नहीं होनी चाहिए। अंगूठे के आकार से बड़ी माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी मूर्ति केवल पंडालों में हो सकती है जो विसर्जित की जाएगी, लेकिन आप अपने घर में अगर मूर्ति लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंगुल से लेकर के 8 अंगुल तक की मूर्ति लगा सकते हैं। इससे ऊपर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा चाहिए, इससे ऊपर की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। माँ दुर्गा की खंडित या टूटी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मूर्ति ऐसी है जो बहुत सुंदर है, जिसे आप खूब चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी खंडित हो गई है, तब भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उसे लाल वस्त्र में लपेट करके गंगा या यमुना में विसर्जित कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्र स्पेशल कालचक्र आप देख रहे हैं, और आज ही नहीं बल्कि पूरे नवरात्र आपको देखना है, क्योंकि पूरे नवरात्र आपको नवरात्र से जुड़ी ऐसी खास जानकारी मिलेगी जिससे माँ दुर्गा का आपके घर में आगमन होगा, आपके जीवन में आगमन होगा, दुख दर्द तो दूर होंगे ही, साथ ही माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न भी होंगी। तो नवरात्र के वो क्या नियम हैं, कल पहला नवरात्र होगा, शैलपुत्री माँ
का नवरात्र होता है, पहले दिन उनका पूजन होता है, कैसे पूजा करनी है, ये तमाम जानकारी आपको कालचक्र में लगातार मिलती रहेगी। और आज भी बता रहे हैं कि भाई कल के दिन की शुरुआत आपको कैसे करनी है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो जाननी है, जो मैं जरूर जानूंगी पंडित जी से, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुकी है सीमा दिल्ली से। सीमा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सीमा जी। पंडित जी मेरा जन्म है 21 अक्टूबर 1984, हरियाणा का जन्म है, सुबह 4:50 का। पंडित जी जब से मेरी शादी हुई है 17 साल हो गए, सिर्फ मैंने दुखी दुख झेले हैं, और आज 15-16-17 साल से मेरा अपना मकान नहीं हो पाया। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे और मेरा मकान खुद का कब हो पाएगा। चलिए आपके अच्छे दिन आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो आपने प्रश्न किया उसके आधार पर तो यही देख रहा हूँ कि बृहस्पति और सूर्य परस्पर सप्तम हैं, जिसके कारण ये जरूर है कि आपके जीवन में सुख शांति और महालक्ष्मी की कृपा का अभाव है। लेकिन अगर कल से आप नवरात्र में दुर्गा पूजा का व्रत ले लें और अपने जीवन में संकल्प कर लें कि अब मुझे भगवती दुर्गा की आराधना करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगले नवरात्र तक आपके सारे दुखों से आपका पीछा छूट जाएगा। बस करना आपको यह है कि 9 दिन नवरात्र में व्रत करना है और पूरे दिन भगवती दुर्गा की आराधना करनी है, और जब भी आपको अच्छा लगे तो क्या कहना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। इस मंत्र को इतना बार कहिए कि ये पूरे नवरात्र में कम से कम आपके द्वारा 1,00,000 बार कहा जाए। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कलयुग में नवरात्र में 1,00,000 नवारण मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति के सामने दुनिया की कोई विपत्ति नहीं टिक सकती है, दुनिया का कोई दुर्भाग्य दुखी नहीं कर सकता है। बस पूरे नवरात्र में इस मंत्र का 1,00,000 जप कर लेना चाहिए, और जप करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी उल जलूल आदमी के बताए हुए के आधार पर, जैसे कोई कोई बताते हैं, कह रहे इसमें तो ओम नहीं लगाना चाहिए, केवल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे कहना चाहिए, कोई कहते हैं इसमें नमः नहीं लगाना चाहिए। ये सब केवल बेवकूफ़ी की बातें हैं, शास्त्र की बातें नहीं हैं। शास्त्र की बात यह है कि ओम प्रणव है वो इस मंत्र में लगेगा, नमः पल्लव है वो इस मंत्र में लगेगा, ओम नहीं लगेगा तो ये मंत्र सरकटा मृतक है, और अगर नमः नहीं लगेगा तो ये मंत्र नंगा है, नग्न है। इस बात का ध्यान करके ओमैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः का 1,00,000 मंत्र जप करिए, और उसके बाद नित्य भगवती दुर्गा का चित्र लगाकर पूजन करिए, दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करिए, देखिए आपके घर में कैसे परिवर्तन होता है और आपका जीवन कैसे बदलता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो यही वो बातें हैं जो आप पूरे नवरात्र में जानेंगे, कालचक्र में ये जाननी बहुत ज़रूरी है, जो पंडित जी ने बताया कि नमः लगाना बहुत ज़रूरी है, किस तरह मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, मंत्र किस तरह पढ़ना चाहिए, और साथ ही किस तरह माँ को आपको प्रसन्न करना है, ये पूरे नवरात्र आप सिर्फ कालचक्र में जान पाएंगे। तो ज़रूर पूरे नवरात्र आप कालचक्र ज़रूर देखिएगा, पूरे परिवार के साथ देखिएगा, ताकि जो पूजा अर्चना आप कर रहे हैं, माँ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप सफल हो पाएं। कॉलर एक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मयंक मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका मयंक जी, बात करिए पंडित जी से। चरण स्पर्श पंडित जी, मैं मयंक बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। मेरा जन्म 13/5/2000 को हुआ था। तो पंडित जी मैं अभी MCA कर रहा हूँ, मास्टर की डिग्री कर रहा हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन से। तो पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी कब तक लगी, क्योंकि पंडित जी ने बहुत परेशान, मेरे पापा भी कोरोना में शांत हो गए थे, मेरे घर में कोई भी नहीं है घर चलाने वाला, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे जल्द से नौकरी चाहिए पंडित जी। तो मुझे बताइए मुझे इस क्षेत्र में कब तक जॉब मिल जाएगी और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बिल्कुल चिंता मत करो, अगले 6 महीने में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और तुम अपने घर का भरण पोषण करने लायक हो जाओगे। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, बस एक कहना मेरा मानो, वो कहना मेरा ये है कि जो आपने प्रश्न किया है उसके आधार पर आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल बना है, तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र फिर से लिख लो, ओम अंग अलिखकर के ऊपर बिंदी अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन कर डालो बेटा, और मंगलवार से इसकी शुरुआत करो, तो 6 महीने में आपको नौकरी भी मिल जाएगी
और आप अपने बलबूते पर अपने घर का उत्तरदायित्व संभाल लेंगे। लेकिन चमत्कार कैसे हो इस नवरात्र में ये जान लो। ये नवरात्र में बहुत सही समय पर आपने प्रश्न किया है। दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक ले आओ बेटा घर, और उसमें सप्त श्लोकी दुर्गा एक चैप्टर है, और उसमें एक मंत्र है, दुर्गे स्मृता हरस भीति मसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तोदन्या सर्वोपकार करना ये सदार्द चित्ता। मंत्र थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर इस मंत्र का घी का दिया जलाकर 108 बार सुबह 108 बार शाम करना शुरू कर दो, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ 9 दिनों में तुम्हें माँ का चमत्कार नजर आएगा और तुम्हारा रास्ता उजाले से भर जाएगा और तुम्हारे रास्ते का जो प्रकाश होगा वो तुम्हारे जीवन को भी प्रकाशित करेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, अब वो बातें जो बहुत ज़रूरी हैं जानने के लिए, क्योंकि भाई कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो तैयारी तो आज से करनी होगी, और वो क्या तैयारी है वो लगातार पंडित जी आपको बता भी रहे हैं। कल के दिन की शुरुआत आपको कैसे करनी है ये आपको पंडित जी बता रहे हैं। क्या नवरात्र से पहले घर की शुद्धि ज़रूरी है? अगर हाँ, तो हमें इस नवरात्रि की पूजा से पहले कैसे करनी चाहिए घर की शुद्धि? ये बहुत ज़रूरी है पंडित जी, क्योंकि साफ़ सफाई का ख्याल, घर की शुद्धि का ख्याल तो रखना ही होगा अगर हम माँ को घर बुला रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कैसे करें घर की शुद्धि? देखिए, शुद्धता बहुत बड़ी चीज है। अंतःकरण की शुद्धता, बाह्य शुद्धता, दोनों शुद्धता आवश्यक है। जब व्यक्ति पूजा करने बैठता है तो पंडित जी लोग हाथ में कुशा लेकर के अपने यजमान के ऊपर जल छिड़कते हैं और कहते हैं, हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवायाभ्यंतरा सूचि। तो भाई, बाहरी शरीर का शुद्धिकरण तो जल से हो जाता है स्नान करने से, लेकिन मल मूत्र तो हर समय शरीर में रहता है। कोई ऐसा समय नहीं होता जब शरीर में गंदगी ना रहती हो, तो फिर अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? उसके लिए उस मंत्र में कहा गया है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। ज्यों ही व्यक्ति पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का ध्यान करता है, त्यों ही उसके अंतर जगत की शुद्धि हो जाती है। एक बार बिना नहाया हुआ व्यक्ति भी अगर भगवान विष्णु का ध्यान कर ले तो वह भी पवित्र हो जाता है और पूजा करने के योग्य हो जाता है। तो माँ दुर्गा को कल आप अपने घर में स्थापित करने वाले हैं अगर, तो ऐसे में माँ की मूर्ति को स्थापित करने के पहले अपने घर की शुद्धि जरूर करें। और ये कैसे करनी है ये मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित करने से पहले गाय का उपला या कोयला लेकर के गैस पर जलाकर इस धुएं से अपने घर और पूजा घर को शुद्ध करें। इस उपले पर थोड़ा सा गुग्गल डाल दें, गुग्गल का धुआं पूरे घर में फैलेगा तो घर का वायुमंडल शुद्ध होगा। गंगा जल तांबे के लोटे में डालकर मुख्य द्वार से इसका छिड़काव करना शुरू करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना पूर्व दिशा में करिएगा। कलश या जौ को स्थापित प्रधान कलश के सामने करिएगा। माँ दुर्गा की पूजा के समय हमारा मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना आम के लकड़ी की चौकी पर होनी चाहिए या चंदन के लकड़ी की चौकी पर होनी चाहिए। और अगर दोनों में से कोई चौकी नहीं है और कोई केवल चौकी है, जैसे आजकल सनमाइका लगी हुई चौकी मिल रही है, तो थोड़ा सा चंदन पत्थर पर घिस करके और उस चंदन का लेप उस चौकी पर कर देना चाहिए। उसके बाद उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके और उसे चारों तरफ से बांध करके उस पर अष्ट गौरी मंडल या सर्वतोभद्र मंडल चक्र बना करके उस पर भगवती की आराधना करनी चाहिए। इसके आगे माँ दुर्गा की मूर्ति आपको चौकी पर कैसे स्थापित करनी है और इनके साथ आपको क्या रखना है ये भी मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। बस पूरी तन्मयता के साथ आप कार्यक्रम को देखते रहें, क्योंकि आपकी पूजा अगर साकार हो गई तो मेरा जीवन साकार हो जाएगा। मेरा जो प्रयास है कि आपके जीवन में माँ परिवर्तन लाए, अगर वो परिवर्तन आता है तो सचमुच में मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।
नवरात्र में माँ की चौकी स्थापित करते समय भी आपको बहुत सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। माँ की चौकी किस दिशा में और कैसे स्थापित करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, वो कौन सी बातें हैं जो चौकी स्थापित करते समय हमें पता होनी चाहिए। देखिए, बहुत बार कहा हूँ, आज एक बार फिर कह रहा हूँ, कर्मकांड दुधारू तलवार है। सीधी चले तो दुश्मन को मारे, उल्टी चले तो अपने आप को मारे। और ये पूजा पाठ कर्मकांड के अंतर्गत आता है। मूर्ति की स्थापना, मूर्ति की पूजा, मूर्ति का आकार प्रकार, हवन करने का तरीका, आवाहन करने का तरीका, मंत्र बोलने का तरीका, ये सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि किसी अनजाने पाप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने छोटे या बड़े घर के हिसाब से माँ दुर्गा की चौकी किस दिशा में और कैसे स्थापित करें, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। माता की चौकी ऐसे स्थापित करें कि पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, जिससे पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा में हो पाए। पूजा चौकी के मध्य में माँ दुर्गा की स्थापना करें। मूर्ति के दाईं ओर श्री महाकाली और माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर माँ सरस्वती के प्रतीक स्वरूप एक एक सुपारी रख सकते हैं। एक करवे में थोड़ा सा चावल रखिए, चावल के ऊपर एक अष्टदल कमल छोटा सा बना लीजिए और उसके ऊपर सुपारी पर कलावा बांध करके एक तरफ महाकाली, एक तरफ महालक्ष्मी महासरस्वती दोनों की स्थापना कर दीजिए। बीच में दुर्गा का स्वरूप है तो ये त्रिदेवियों का स्वरूप हो गया, आपकी मनोकामना पूरी। माँ दुर्गा के नौ रूपों के प्रतीक के स्वरूप आप नौ सुपारियाँ दोनों तरफ रख सकते हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्रि च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। हे नव दुर्गा, माँ जगत जननी जगदम्बा, हमारे सभी दर्शकों के ऋण, रोग और दरिद्रता का शमन कर दीजिए। इनके परिवार में हर प्रकार की खुशियाँ और सद्बुद्धि का संचार हो सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देखिए, अखंड ज्योति को पूजा चौकी के अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में रखना चाहिए। इस दिशा में रखी अखंड ज्योति घर में सुख समृद्धि लाती है और नकारात्मक ऊर्जा से परिवार की रक्षा करती है। लेकिन सावधान, अगर आप अखंड ज्योति की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आपको घर से निकल करके बाहर जाना है और ज्योति अकेले रहेगी, ज्योति किसी कारणवश बुझ सकती है, तो उसका महापाप आपको लगेगा। इसलिए अगर आप उसकी रखवाली नहीं कर सकते हैं, आप उसे देख नहीं सकते हैं, तो अखंड ज्योति जलाना कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। अखंड ज्योति तभी जलाई जाए जब उसकी रक्षा की जाए, नहीं तो आप ऐसा दीपक जलाइए जो आपके पूजन से पहले शुरू हो और आपके पूजन के उपरांत अपने आप बुझ जाए, इसका कोई दोष नहीं होगा। न तो अखंड ज्योति जला करके आप कोई अश्वमेध यज्ञ कर देंगे और न अखंड ज्योति न जलाने पर आपको कोई पाप लगेगा, ये मैं कह रहा हूँ पूरे जिम्मेदारी से। काम वो करिए जो आप निभा सकते हैं, काम ऐसा मत करिए जिसे आप निभा नहीं सकते हैं। अखंड ज्योति में रात में भी उठ करके दीपक को देखना पड़ता है, अखंड ज्योति में घी तेल की मात्रा क्या है इसका ध्यान रखना पड़ता है, अखंड ज्योति जलाने के बाद उस कमरे में कुत्ते बिल्ली भूल करके भी ना आ पाएं इस बात का भी ध्यान रखना होता है, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े लव को जा करके तेजी से मार करके बुझा देते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कीड़े मकोड़े भी उस कमरे में जहां पूजा हो रही है वहां प्रवेश न कर पाएं। तो नवरात्रि में जो लोग हर रोज हवन करते हैं उनको हवन कुंड भी दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अखंड दीपक के अलावा एक घी का दिया जरूर सुबह शाम जलाना चाहिए। कलश भी चौकी के या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। देखिए, कलश तो रखने हैं दो, एक वरुण कलश और एक स्थापना कलश। वरुण कलश जो है, पहले थोड़ी सी घर में मिट्टी और बालू लाइए, उसमें सात प्रकार के अनाज बोइए जिसमें जौ जरूर हो। पहले से भिगो करके आज से ही अनाज रख लीजिए और कल सुबह उसको छान करके मिट्टी में मिला करके उसको एक छोटा सा गोलाकार पिंड की तरह बना लीजिए और फिर एक मिट्टी या तांबे के कलश में कलश को रख करके उसमें जल से उसको परिपूर्ण करके उसके ऊपर पंचपल्लव लगा करके उसके ऊपर
एक करवे में चावल भर करके और एक नारियल लेटा करके और उसके ऊपर चुनरी से कलावा को बांध कर कलावा से चुनरी को बांध करके उसकी स्थापना कर दीजिए। इसका नाम होगा वरुण कलश। इसके ऊपर जो चौकी के ऊपर कलश होगा उसका नाम होगा स्थापना कलश। स्थापना कलश में एक तांबे के लोटे में चावल भर दीजिए और एक लाल ब्लाउज का पीस ले लीजिए, एक गरी गोला ले लीजिए, गरी के गोले के साथ एक छोटी सी लोहे की कील लगा लीजिए और उसको इस तरह से लगाइए को पिरामिड के आकार का बन जाए और सुंदर हो और कलावे से बांध दीजिए और उस लोटे के ऊपर उसको रख दीजिए। यह है स्थापना कलश जिसमें आप दुर्गा का आवाहन करेंगे। नीचे वाला कलश वरुण कलश है जिसमें जल के देवता वरुण का आप आवाहन करेंगे, ठीक है। अब ये जब दोनों चीज़ें आपने स्थापित कर ही लिया तो एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उस पर गरी के गोले पर कलावा लपेटकर या सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश की स्थापना कर दीजिए। गाय के गोबर को उसी करवे में रख करके गौरी की स्थापना कर दीजिए। एक करवे में सुपारी पर कलावा लपेट करके आप नवग्रह की स्थापना कर दीजिए और एक करवे में चावल भर करके उस पर कलावा लपेट कर आप भैरव की स्थापना कर दीजिए। इतनी स्थापना हो जाने से आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है और एक आम के लकड़ी की चौकी पर दुर्गा सप्तशती पुस्तक लाल कपड़ा बिछा करके रख दीजिए। जब इतना क्रम आप कर लेंगे तो आपकी पूजा फलित हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। कल है शारदीय नवरात्र, कल से शुरुआत हो रही है। नवरात्र में कैसे विधि विधान से करनी चाहिए माँ दुर्गा की पूजा आराधना, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कलश स्थापना विधि की। इस नवरात्र कैसे करें कलश की स्थापना, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए थोड़ा सा तो संकेत मैंने आपको दिया कि एक बालू और मिट्टी मिला करके उसमें सप्तधान्य बो करके आप कलश के लिए एक मिट्टी की जगह बनाएंगे, ये तो मैंने आपको इंडिकेट किया है ना। अब उसका एक विस्तार का स्वरूप जान लीजिए। एक थाली पर अक्षत बिछा दीजिए, एक तांबे का लोटा ले लीजिए, लोटा ऐसा लीजिए कम से कम उसमें 1.25 लीटर पानी जरूर आता हो, बहुत छोटा सा लुटिया मत लीजिएगा। उस पर तांबे के लोटे पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए और लोटे के मुंह के पास रक्षा सूत्र बांध दीजिए। तांबे के लोटे में जल और गंगा जल मिला करके भर दीजिए और उसमें 5 छोटी-छोटी सुपारियां डाल दीजिए। लौंग, इलायची और साबुत चावल जिसको अक्षत कहते हैं वो भी डाल दीजिए। एक बूंद इत्र भी डाल दीजिए और दुर्वांकुर जिसे दूब घास भी कहते हैं उसे भी तोड़ करके थोड़ा सा डाल दीजिए। माँ लक्ष्मी के प्रतीक स्वरूप एक सिक्का भी तांबे के लोटे में डाल दीजिए। तांबे के लोटे में सिक्का डालने की प्रथा इसलिए थी ताकि वो जल तांबे के संयोग से शुद्ध हो जाए। आज जो लोहे वाला सिक्का है 1 रुपये वाला, 2 रुपये, 5 रुपये वाला, ये सिक्का भूल के भी नहीं डालना चाहिए। इससे जल प्रयूषित हो जाता है और अगर किसी रसायन शास्त्री से आप बात करेंगे तो वो भी इस बात को कहेगा रसायन शास्त्री कि हाँ जल के जब जल में इस लोहे का संयोग ज़्यादा देर तक हो जाता है तो इसका जो रिएक्शन होता है वो हानिकारक होता है। तो तांबे के कलश में जल भरने से 20% व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। तांबे के कलश में जल के साथ फूल डालने से 40% फल हो जाता है और तांबे के कलश में जल फूल के साथ दुर्वांकुर डालने से तो 50% फल की प्राप्ति होती है। और तांबे के कलश में जल फूल दुर्वांकुर के साथ साबुत चावल जिसको अक्षत कहते हैं उसको डालने से 60% लाभ मिलता है। और तांबे के कलश में जल फूल दुर्वा और अक्षत के साथ छोटी सुपारी डालने से 90% फल मिलता है। और तांबे के कलश में जल फूल अक्षत सुपारी के साथ सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का या फिर तांबे का सिक्का डालने से 100% अपने भक्तों को भगवती लाभ पहुंचाती हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत लोग चर्चा करते हैं मैं घर से कैसे जा सकता हूं, मैं तो कलश स्थापना कर रहा हूं,
कलश स्थापना कर रहा हूँ। माने कलश स्थापना का बड़ा अपने आप में शास्त्रीय महत्व है, इसको छोटा करके नहीं समझना चाहिए। तो भैया तांबे के लोटे में सभी सामग्रियों को डालने के बाद अब आगे और आपको क्या करना है इसके लिए भी तैयार रहिए, मैं आपको बताऊंगा। और मुझे विश्वास है कि आज ये सारी जानकारियां आप नोट कर रहे होंगे और आप स्वयं इसको करेंगे, और जो लोग माँ दुर्गा की आराधना के जिज्ञासु हैं उन्हें भी आप बताएंगे, उसका भी पुण्य आपको मिलेगा जरूर। जय माँ विंध्यवासिनी। तो जो लोग इस नवरात्र अपने घर में कलश स्थापित कर रहे हैं उनको किस विधि से कलश की स्थापना करनी चाहिए, अब पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। तो पंडित जी आपने बताया कि भाई वो जो शुभ कलश होगा उसमें हम क्या क्या डालें, जिससे आपने बाकायदा बताया कि कितने प्रतिशत फल मिलेगा अगर आप ये डालते हैं, तो इतने प्रतिशत इस चीज़ को ऐड करते हैं तो वो प्रतिशत बढ़ते जा रहे हैं, अब कलश स्थापना कैसे करें? देखो भैया, जैसे कि मैंने बताया कि तांबे का लोटा लेना है, उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, ठीक है, और उसमें जल भरना है, फूल डालना है, सुपारी डालना है, अक्षत डालना है, दुर्वांकुर डालना है, सिक्का डालना है, ये सब तो मैंने आपको बताया। तो अब इतना डालने के बाद तांबे के लोटे के ऊपरी हिस्से में अशोक का, आम का, बरगद का, पीपल का, गूलर का, ये पांच प्रकार के पत्ते ले आकर के जिसको पंचपल्लव कहते हैं उसके ऊपर रखिए। इससे निश्चित रूप से आपके घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। इसको रख करके उसके ऊपर एक मिट्टी के करवे में चावल भर करके रख दीजिए। इसमें अशोक का पेड़ जरूर होना चाहिए। अशोक का पेड़ एक ब्रह्मचारी पेड़ होता है जो पूजा में शुभ माना जाता है। अशोक की पत्तियां जहां बंधनवार के रूप में लगी होती हैं वो सारी निगेटिविटी को सोख लेती हैं। तो जब पंच पल्लव आप रख देंगे लोटे के ऊपर तो लोटा ढक जाएगा, उस पर भी थोड़े से करवे में अच्छत करके फिर आप रख लीजिए जैसा मैंने आपको बताया। अब लोटे पर नारियल स्थापित करना है। नारियल पर चुनरी लपेटिएगा और उसको कलावे की मदद से बांध लीजिएगा और उस पर तिलक कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारे टीवी में एक चित्र चल रहा है कलश का, उसमें कलश खड़ा है, ऐसी नकल मत करिएगा। मैं ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो विजुअल है, कुछ भी चला देते हैं लोग, इसमें कोई चैनल की गलती नहीं है, विजुअल ऐसा था लगा दिया। लेकिन जो कलश लगाना है, आप जो आपको नारियल लगाना है वो आपको गिरा करके लगाना है। नारियल जो आप लगाएंगे गिरा करके लगाएंगे और उसका ऊपरी हिस्सा जो पेड़ की तरफ ऊपर की तरफ होता है वो आपकी तरफ होगा और उसका नीचे का हिस्सा मूर्ति की तरफ होगा। इस तरह से जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो 100% आपको सही रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि कर्मकांड दुधारू तलवार है, सीधे चलेगी तो दुश्मन को मारेगी, उल्टा चलेगी तो आपका भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप अज्ञानी हैं, अगर आप ज्ञानी नहीं हैं और अगर आप सीख रहे हैं तो आपसे अगर कोई गलती भी हो जाए तो विश्वास करिए उसका कोई दोष नहीं लगता है। माँ अपने भक्तों को अज्ञानता में किए हुए अपराध के लिए क्षमा कर देती है, लेकिन ज्ञानी भक्त वही जान करके अगर अपराध करेगा तो वो क्षमा का पात्र नहीं होगा। इस कलश में 9 दिनों तक मास की शक्ति विराजमान रहती है। हर त्यौहार में मंगल कलश स्थापित किया जाता है। इस तरह से कलश स्थापना अगर आप करेंगे तो आपका भी जीवन धन्य होगा, हमारा भी ये बताना सार्थक हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। इस शारदीय नवरात्र किस विधि से करें घट स्थापना, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए अब फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, घट स्थापना का मतलब कलश स्थापना बताया। किसी खेत की मिट्टी हो या बालू हो उसको मिला करके उसमें सप्त धान्य बो करके बहुत लाभ मिलता है। सप्त धान्य उगे इसके लिए आज से ही सप्त धान्य को भिगो दीजिए और कल सुबह सूर्योदय के पहले उसको छान करके फैला दीजिए, उसके बाद उसको मिट्टी में मिला करके बोइए। तो घट स्थापना में सिर्फ जौ ही नहीं, सप्तधान्य बोने से ही बहुत लाभ मिलेगा। सप्तधान्य में जौ, तिल, धान, मूंग, कंगनी, चना और गेहूं आता है। मिट्टी का कलश अगर है स्थापित कर रहे हैं तो उसमें भी एक रक्षा सूत्र बांधना पड़ेगा आपको। जिस घर में कलश और घट स्थापित हैं ऐसे घरों में पूरे नवरात्र के 9 दिनों तक किसी भी प्रकार के तामसी चीज़ों का सेवन नहीं होना चाहिए, वो चाहे लहसुन प्याज ही क्यों ना हो। लहसुन प्याज भी 9 दिनों तक घर में नहीं बनना चाहिए,
भले ही एक व्यक्ति व्रत कर रहा हो, लेकिन उसके व्रत में सब लोगों को सहयोग करना चाहिए ताकि उसका व्रत और अच्छे ढंग से हो सके। ये ना कहें कि अरे वो व्रत कर रहे हैं तो हमसे क्या मतलब। और जैसे देवरानी व्रत कर रही है और जेठानी जा करके उसी मतलब कि किचन में लहसुन और प्याज छौंक रही है, क्यों कर रही हूँ भाई? अरे वो तो व्रत कर रही है, मुझसे क्या मतलब। मतलब है एक छत के नीचे आप रहते हैं, उनके परम पवित्र कर्म में आपका सहयोग होना चाहिए। और अगर आप सहयोग नहीं करती हैं, इस पाप के भागीदार आप होंगी और इसका दुख भी आपको झेलना पड़ेगा, अहंकार निकल जाएगा। तो इसलिए अगर कोई घर का व्यक्ति भगवती की आराधना में लगा हुआ है तो घर के हर लोगों का कर्तव्य होता है कि उसकी देख रेख करें, उसका आगत स्वागत करें और उसके जलपान और फलाहार की व्यवस्था करें, उसके पूजन सामग्री क्या कम है क्या ज़्यादा है ये सब व्यवस्था करें, और उसको गुस्सा ना आए ये भी घर के लोगों का ही जिम्मेदारी होती है। इस तरह का माहौल घर में निर्माण करें। जय माँ विंध्यवासिनी। इस शारदीय नवरात्रे अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो क्या करें, और अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो क्या करें? तो पंडित जी ये तो बताइए ही, साथ में ये भी बताइएगा किसका दीपक जलाना सबसे सही होता है, क्योंकि कुछ लोग तेल का दीपक जलाते हैं, कुछ को लगता है घी का दीपक जलाएंगे। अच्छा, उसके पीछे लॉजिक ये भी होता है कि घी महंगा आता है, जितना हम महंगे घी का दीपक जलाएंगे तो माँ जल्दी प्रसन्न होंगी, क्या ये लॉजिक है या फिर किस चीज़ का दीपक जलाना सबसे सही होता है? लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक ये है दीपक जब जलता है तो नेगेटिविटी को सोखता है और पॉजिटिविटी का विस्तार करता है, और जब तक जिस वायुमंडल में दीपक नहीं जलता है तब तक वहाँ पॉजिटिविटी को आकर्षित करने की कोई वस्तु नहीं होती है। देखो, सर्वोत्तम दीपक तो देसी गाय के घी का होता है, लेकिन आज मिलावट की दुनिया में चर्बी युक्त जो घी के नाम पर घी बिक रहा है उससे तो अच्छा है कि तिल के तेल का दिया जलाया जाए। तो ऐसे में घी का दीपक अगर जला रहे हैं तो क्या करें ये जान लीजिए। नवरात्र में घी का दिया माँ दुर्गा के दाएं हाथ और साधक के बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, तिल के तेल का दिया माँ दुर्गा के बाएं हाथ और साधक के दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए, घी के दीपक में खड़ी रुई की बत्ती लगानी चाहिए जबकि तिल के तेल के दीपक में कलावे वाली बत्ती लिटाकर जलानी चाहिए। घी का दिया पूजा पाठ करने के लिए जरूरी है, तिल का दिया किसी खास मनोकामना के लिए जलाया जाता है। घर में दीपक जलाने से मकान का अग्निकोण मजबूत हो जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी। इस बार के शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं और इसका फायदा आपको और हमको और इस पूरे संसार को कितना मिलेगा और क्या मिलेगा, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। इस बार के शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं और इसका फायदा आपको या हमें और पूरे संसार को क्या मिलने वाला है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। भैया देखिए, हर बार जब दुर्गा जी आती हैं तो उनका कोई ना कोई वाहन होता है। इस बार के शारदीय नवरात्र में अर्थात कल जो माँ दुर्गा का आगमन हो रहा है, इससे आपको क्या फायदा होगा और विश्व को क्या फायदा होगा, ये मुझसे मेरी अल्प बुद्धि से सुनने की कोशिश करिए। इस शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। धन्य हो माँ, तेरी महिमा अपरंपार। हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा विश्व में शांति का संदेश देंगी। इस बार विजयदशमी बुधवार को है। जब भी विजयदशमी बुधवार या शुक्रवार के दिन होती है तो माता हाथी के वाहन पर ही विदा भी होती हैं, इसे और भी शुभ माना जाता है। तो माँ दुर्गा के हाथी पर सवार होकर आना और हाथी पर सवार होकर जाना, इस साल बरसात ज़्यादा होगी, हरियाली रहेगी, फसलों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, संक्रामक रोग नहीं बढ़ेंगे, संपन्नता बढ़ेगी, और इस बार नवरात्रि में कई शुभ योग भी बन रहे हैं। जैसे दूसरे नवरात्रि में माने दूसरे दिन 27 तारीख को द्विपुष्कर योग बन रहा है, तीसरे चौथे पाँचवें छठवें आठवें और नौवें नवरात्रि में रवि योग बन रहा है, चौथे पाँचवें सातवें नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अब क्या लेना चाहते हैं, सारी मनोकामना तो पूरा करने ये नवरात्र आ रहा है, बस 9 दिन लग जाइए माँ के चरणों में। जय माँ विंध्यवासिनी।
तो इस बार का नवरात्र हर लिहाज से बहुत खास होने वाला है, इसीलिए आपको आज से ही बता रहे हैं कि भाई कल से आने वाले 9 दिन आपको कैसे रहना है, आने वाले 9 दिन की कल से शुरुआत कैसे करनी है और कैसे माँ को प्रसन्न करना है। पंडित जी एक सवाल और, क्योंकि नवरात्र आता है तो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं, मैं भी करती हूँ, और हम कैसे करते हैं कि भाई इन 9 दिनों में उन 13 अध्यायों को हमें कंप्लीट करना है, उनको हमें 13 अध्यायों को पढ़ना है और माँ की महिमा को जानना है बेसिकली, तो क्या ये सही तरीका है या कुछ और तरीका शास्त्रों में लिखा है? देखो बेटा, सही बात तो ये है कि तरीका बिल्कुल गलत है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मन्वंतर से उद्धृत है। इसमें 700 मंत्र हैं, 13 अध्याय है। शास्त्र में इसको करने का विधान बताया गया है। ऐसा नहीं कि आप स्वेच्छाचारिता से जो आपके मन में आए वो आप कर लीजिए। इसमें 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है, और 5वें से लेकर 13वें अध्याय तक जो है ये उत्तम चरित्र है। तो एक दिन में आपको इतनी छूट है कि एक चरित्र का पाठ आप कर सकते हैं। जैसे पहले दिन आपने कवच अर्गला कीलक और देवी अथर्व शीर्ष का पाठ कर लिया, रात्रि सूक्त का पाठ कर लिया और नवारण मंत्र का न्यास कर लिया, नवारण मंत्र का जप कर लिया, पहला अध्याय कर लिया, क्षमा प्रार्थना कर लिया, आप पूजा से उठ गए, आपको दोष नहीं लगेगा। फिर दूसरे दिन आपने कवच अर्गला कीलक का पाठ किया, नवारण मंत्र का जप किया, अथर्व शीर्ष का पाठ किया, दूसरे से चौथा अध्याय पाठ कर लीजिए, फिर क्षमा प्रार्थना बोल करके उठ जाइए। फिर तीसरे दिन इसी क्रम में आप 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक पढ़ना पड़ेगा, बीच में आपने छोड़ दिया तो खंडित हो जाएगा। 5वें से 13वें अध्याय तक पढ़ लीजिए, उसके बाद तीनों रहस्य पढ़िए, रहस्य पढ़ने के बाद क्षमा प्रार्थना पढ़िए, माता की आरती करिए और उठ जाइए, आपका एक महायज्ञ पूरा हो गया। लेकिन अगर आप एक एक पाठ 9 दिन में पूरा कर रहे हैं तो भगवती कोई आपको तलवार से मारने नहीं आ रही हैं, लेकिन इसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, क्योंकि कर्मकांड जो है ये सिस्टमेटिक पद्धति का नाम है। अगर सिस्टम बिगड़ गया ना तो कर्मकांड कैसा? जैसे किसी देवी की पूजा आप कर रहे हैं और उसका आपने ध्यान नहीं किया, पहले आवाहन कर लिया, ये कोई मतलब है? पहले दिमाग में उनका ध्यान तो आना चाहिए, तब उनको बुलाओगे ना कि आप यहाँ आइए, और दिमाग में ध्यान ही नहीं आया और लगे आप बुलाने का आ जाओ, कौन आ जाए? तो इस तरह से कर्मकांड सिस्टमेटिक ज्ञान है। तो हमें भी दुर्गा सप्तशती के जो 700 मंत्र हैं ये सारे सिद्ध मंत्र हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं, रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं, चक्रव्यूह में 7 द्वार था, इसी तरह से जो सुग्रीव ने राम से कहा था ताल के पेड़ काटने के लिए, उसमें 7 ताल के पेड़ थे, नग्नजीत ने जो अपने बैल नाथने के लिए कहा था वो 7 थे। 7 की महिमा बहुत है, किसी दिन श्रद्धा इस पर चर्चा करूंगा। जय माँ विंध्यवासिनी। कौन सा नवरात्र कब है और माँ के किस स्वरूप की पूजा हमें करनी चाहिए, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए 26 सितंबर अर्थात कल पहला नवरात्र है, घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा का शुभ दिन है। 27 सितंबर दूसरा नवरात्र, माँ दुर्गा और ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा होगी। 28 सितंबर परसों तीसरा नवरात्रि, माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान। 29 सितंबर को चौथी नवरात्रि, माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान। 30 सितंबर को 5वीं नवरात्रि, माँ स्कंद माता की पूजा का विधान। 1 अक्टूबर को 6ठी नवरात्रि, माँ कात्यायनी दुर्गा की पूजा का उत्तम विधान। 2 अक्टूबर को 7वीं नवरात्रि, माँ कालरात्रि की कालिका पूजन का विशिष्ट विधान। 3 अक्टूबर को नवरात्रि में माँ दुर्गा के माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा, माँ महादुर्गा की पूजा, महागौरी की पूजा, ये 8वां नवरात्र है। और 9वें नवरात्र में माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान, और सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ नवरात्रि का पारण और कुमारी पूजन का भी विधान। 5 अक्टूबर को विजयदशमी, दुर्गा जी का विसर्जन, शस्त्र पूजन सभी लोग अपने घरों में करेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने बताया कि नवरात्र, पंडित जी आपने बताया कि नवरात्र को कैसे हमें
पूजा अर्चना करनी है, घट स्थापना करनी है यानी कि कलश स्थापना करनी है, और कैसे माँ को घर पर लेकर आना है, और कब कौन सा नवरात्र है, आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और नवरात्र की पूरी जानकारी के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। सप्ताह कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।